ऑफिस में श्रीराम कॉलोनी मेडिकल बगीचा निवासी उर्मिला कुशवाहा ने एसपी साहब को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि 2 माह पहले उसकी नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 15 साल थी वह किसी के साथ लापता हो गई और उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने 3 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है और न ही कोई आश्वासन दिया है। इसी बात को लेकर आज उन्होंने एसपी को ज्ञापन सौंपा। कहाँ गई कोई जानकारी? गोलू रघुवंशी और संजू रघुवंशी और रघुवंश हल्की भाई रघुवंशी, इनके पास जाते हैं, धमकी देते हैं मानने की, आग लगा देंगे, आप रिपोर्ट वापस ले लो, जो कर लो। पुलिस हमारी कोई सुनती नहीं। तो आपको ने इनका क्या, इनके खिलाफ रिपोर्ट करवाई है? हाँ। तो आपको इन पे क्या कोई शक है? इन पे किस कारण, कोई वजह? हाँ जी, इसके इधर हमारी लड़की जाती थी और इनके भी लड़के फिरते थे पीछे। अभी कितना टाइम हो गया? 2 महीने हो गए। पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले हमारी कोई नहीं सुनते हैं, भगा और देते हैं डांट के कि जाओ, हम नहीं लग रहा है रिपोर्ट मुकोट, जाओ तुम तो निकल जाओ। डांट श्रीराम कॉलोनी मेडिकल बगीचा। तो कोई लड़की की जानकारी लगी, कहाँ है, कहाँ थी, कोई बताया किसी? हाँ, पनवाड़ी तरफ की जानकारी लगी थी। किसने बताया था? बिल नहीं बताओ तो राम कुमार शर्मा ने। ये कौन है? जे श्रीराम कॉलोनी में मेडिकल बगीचा के उतर रहते हैं, दयाल स्कूल तरफ। उनको कैसे जानकारी लगी, कोई पता? हाँ, बिल नहीं, मुझसे पैसा मांगे थे 10,000 रुपया, वो धमकी भी देते हैं, कहते हैं कि लड़की हम ही बताएंगे, कि कोई नहीं बता सकता है।